चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आप कबड्डी के अगर फैन हैं तो प्रो कबड्डी लीग से आपकी नजरें बिल्कुल नहीं हटती होंगी। आप प्रो कबड्डी लीग के सारे मुकाबलों को उतने ही चाव से देखते होंगे जैसे आप किसी आईपीएल के मुकाबले को देखते हैं या फिर किसी आईएसएल के मुकाबले को देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग में काफी क्लोज कॉम्पिटिशन देखने को मिले हैं। जो ऑनगोइंग प्रो कबड्डी लीग का सीजन चल रहा है, बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिली है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग ड्रॉ देखने को मिले हैं और बहुत कमाल की वन साइडेड विक्ट्रीज भी देखने को मिली है। प्रो कबड्डी लीग में एक और मैच खेला गया और यह मैच आपको बता देता हूं हुआ बेंगलुरु और बंगाल के बीच में, जो कि एक शानदार मैच रहा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको बताऊं, इस मैच में ऐसा हुआ कि बेंगलुरु बुल्स की जो टीम थी उसकी हार हुई और उसको हारना पड़ा डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। और ये जो स्कोर था बेसिकली इस मैच का, अगर जब मैच खत्म हुआ वो 40-39 का स्कोर था, यानी कि बेंगलुरु बुल्स एक पॉइंट से जो थी वो डिफेंडिंग चैंपियंस बंगाल वॉरियर्स से हार गई। और आपको बता देते हैं कि ये मैच इंटरेस्टिंग क्यों रहा, क्योंकि इस मैच में एक ऐसा लम्हा आया जिसमें एक रेट की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी रेट थी जिसमें एक ही बार में 8 खिलाड़ी जो थे वो बाहर हो गए और यहां से पूरा मैच जो है बदल गया, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट आपको देखने को मिलता है कि एक रेट में 8 खिलाड़ी जो है वो बाहर हो जाए। दरअसल आपको बता देता हूँ कि पहले हाफ में बंगाल वॉरियर्स का जो स्कोर था वो 14-13 था, दूसरे हाफ में जब शुरू हुआ तो बंगाल ने बढ़त लेनी शुरू कर दी, लेकिन मैच के 30वें मिनट में कुछ स्पेशल देखने को मिला। तब मोहम्मद नबी बख्श ने एक रेड की, जब मोहम्मद नबी बख्श ने रेड की तो बंगाल की टीम को 8 पॉइंट मिले। इसके बाद जो रेड हुई उसमें बेंगलुरु बुल्स ऑल आउट हुई और एक साथ ही 8 खिलाड़ियों को आउट होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट्स में आपको कबड्डी के खेल में देखने को मिलता है। बात अगर हम लास्ट अपडेटेड पॉइंट्स टेबल की अगर हम लोग कर लेते हैं तो इस वक्त दबंग दिल्ली की जो टीम है, दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब, 11 मुकाबले खेले, 7 जीत 2 हारे 2 टाई, 42 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर काबिज हैं, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु बुल्स हैं, तीसरे पे पटना पायरेट्स, चौथे पे बंगाल वॉरियर्स, पांचवे पे यूपी योद्धा, छठे पर जयपुर पिंक पैंथर, सातवें नंबर पर तमिल थलाइवस, आठवें पे यू मुंबा, 9वें पे हरियाणा स्टीलर्स, 10वें पे गुजरात जायंट्स, 11वें पे पुनेरी पल्टन और 12वें नंबर पर तेलुगु टाइटंस की टीम काबिज है। जो कबड्डी लीग को देखते रहिए बिकॉज मुकाबले अब बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में पहुंचना शुरू हो गए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग फेज गुजरा है प्रो कबड्डी लीग का जो बेंगलुरु लेग खेला गया। देखिए, इंटरेस्ट लीजिए बिकॉज ये बड़ी फास्ट पेस गेम है और बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी जो आपको पता है वो गेन करती जा रही है, क्योंकि फास्ट पेस गेम है, इसमें आपको बहुत सारी स्किल्स देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, अगर आप सिर्फ आर्डेंट कबड्डी फैन के तौर पर इस लीग को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें बिकॉज इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और मेहनत करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। गुड बाय फॉर नाउ।